हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक प्रणव योगासना के ऊपर है, जो मैं आपको आज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम प्राणायाम मेडिटेशन से। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, इस प्रक्रिया को दोहराएं। तब तक हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक प्रणव आसना के ऊपर है, जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बेनिफिट बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, टेक्निक के बारे बताऊंगा, राइट वे टू डूइंग मेथड ऑफ प्रणव आसना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों टांगों को आगे की ओर फैला लें, फिर उसके बाद अपनी एक टांग को पकड़कर अपने सर के पीछे रख लें, इस प्रकार से जैसे मैं वीडियो में करके बता रहा हूँ, पीठ पर टिका लें। ओके, और फिर उसके बाद अपने दूसरे पांव को फोल्ड करें और अपने हाथों की पोजीशन को पीछे की तरफ चेंज करते हुए आगे की तरफ ना रखें, बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप रखें जिससे कि आपको लिफ्ट होने में आसानी हो। और फिर हाथों के जरिए अपने पूरे वेट को लिफ्ट करें और अपनी एक टांग को बिल्कुल सीधा करते हुए इस प्रकार से करें। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं होना है, थोड़ा आपने वर्टिकली रहना है, इस प्रकार से जैसे मैं आपको वीडियो में करके बता रहा हूँ। ओके, इस प्रकार से आपने इस आसना को करना है। ये है इस आसना का फाइनल पोस्चर ऑफ प्रणव आसना। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ओके, गेट बैक नॉर्मल पोजीशन। इनहेल, एक्सहेल। सो वी आर डूइंग नाउ सेकेंड लेग। होल्ड योर लेग, होल्ड योर एंकल, पुट ऑन योर शोल्डर लाइन, हेड बैक। ओके, दिस टाइप, एंड यू कैन प्लेस योर हैंड एंड ट्विस्ट योर, चेंज योर हैंड पोजीशन बैक साइड, देन फोल्ड योर लेग एंड लिफ्ट योर वेट इनटू हैंड, लिटरली स्लोली लिफ्ट योर हैंड वेट। ओके, देन नाउ यू कैन डूइंग this type, get back normal position, inhale, exhale, so now we are doing side view of a Pranav Yogasana. You can see how's the position of a Pranav Yogasana. अपनी एक टांग को पीठ पर टिका लें सर के पीछे। ओके, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ किए हुए, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, योर हैंड टर्न इन बैक साइड दिस टाइप, एंड फोल्ड योर वन लेग लिटरली एंड लिफ्ट द वेट, एंड इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ प्रणव योगासना। फुल ट्यूटोरियल वीडियो हाउ टू डू आई एम doing in video and saying in audio, techniques, tricks, tips, methods, all about that I am saying in audio. Okay, doing in video. So we are doing now second leg. Hold your leg, put on your shoulder line back side. Okay, then now you can turn your hand position this type and lift the weight into hand slowly and keep stretched your one leg and doing this type. Okay, place your leg into vertically, लंबाकार
नॉट टू 90 डिग्री एंगल स्ट्रेट, गेट बैक नॉर्मल पोजिशन, इनहेल एक्सहेल. सो वी आर नाउ डूइंग बैक व्यू ऑफ अ पनव योगासना. ओके, अपनी एक टांग को पकड़े, उसे पीठ के पीछे रखें इस प्रकार से, प्लेस इन टू योर शोल्डर लाइन बैक साइड. ओके, देन नाउ चेंज योर हैंड पोजिशन दिस टाइप एंड लिफ्ट द वेट स्लोली. ओके, इनहेल, लिफ्ट योर वेट इनटू हैंड. ओके, दिस टाइप एंड डूइंग दिस टाइप. ओके, होल्ड दिस पोजिशन मिनिमम ऑफ 15 सेकेंड एंड मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स. ओके, इफ यू आर बिगनर देन यू स्टार्टेड 5 सेकेंड्स होल्डिंग टाइम. अब हम दूसरी टांग से करेंगे इस प्रकार से, दूसरी टांग को अपनी पीठ के पीछे रखें. ओके, जैसे मैं वीडियो में करके बता रहा हूँ. और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों की पोजीशन को चेंज करते हुए अपने दोनों हाथों पर वेट को उठाएं और धीरे धीरे अपनी टांग को लंबाकार में सीधी करने की कोशिश करें, वर्टिकली स्ट्रेट. ओके, पैरेलल ऑफ द ग्राउंड योर लेग एंड योर आर्म्स. ओके, गेट बैक नॉर्मल पोजीशन, अपनी टांग को धीरे धीरे नीचे उतार लें, दोनों टांगों को सीधे करें. तत्पश्चात अब मैं आपको सेकंड साइड व्यू करके बताऊंगा पनव योगासना का. ये जो योगासना है यह आपको चैंपियनशिप में भी करवाए जाते हैं. ओके, कंपटीशन, योगा कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में इन योगासना को लिया जाता है. ओके, तो आप यहाँ से सीख कर सकते हैं आसानी से. नेशनल योगासना है ये पनव योगासना, जो कि कंपटीशन में करवाए जाते हैं. इस प्रकार से आपको इस योगासना को करते रहना है. तो चलिए अब मैं आपको इसके थोड़े से बेनिफिट्स बता देता हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं. सबसे पहले तो आपके जो ग्लूट्स जॉइंट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जो आपकी जो नीज जॉइंट है और आपकी जो लेग स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, आपकी टांगों का कड़ापन ख़त्म हो जाएगा, थाइस का कड़ापन स्टिफनेस कम हो जाएगी, शोल्डर की स्टिफनेस कम हो जाएगी, आपकी आर्म है, फिंगर्स हैं, फीट हैं, ये बिल्कुल सही रहेंगे. इस प्रकार से आपने ये बेनिफिट है. ओके, तो चलिए अब दूसरी टांग से करें, और यह आपके शरीर को स्ट्रेंथ प्रदान करता है. यह जो योगासन है लोअर पार्ट के लिए, यह सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके एब्डोमिन के लिए, स्टमक के लिए एंड बैक यानी कि मेरुदंड के लिए. ओके, इट इज़ द फॉरवर्ड बैंड स्टैंडिंग सीरीज ऑफ अ पनव योगासना. यह फॉरवर्ड बैंड स्टैंडिंग का ही एक योगासना है जिसमें आप पनव योगासना को करते हुए देख पा रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन चेंज योर हैंड पोजिशन दिस टाइप एंड नाउ लिटरली फोल्ड योर लेग एंड नाउ होल्ड द वेट ऑन योर हैंड. लिफ्ट द वेट स्लोली एंड दिस टाइम. इट इज़ द फाइनल पॉस्चर ऑफ अ पनव योगासना एंड आई एम सेइंग टोटल अबाउट द टेक्निक्स, ट्रिप्स, मेथड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ पनव योगासना. मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है पनव योगासना के बारे में. चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए, गेट बैक नॉर्मल पोजिशन, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन
ब्रीद आउट। इस पोजीशन में जब भी आप होल्ड करें तो अपने श्वास को निरंतर अपने शरीर के अनुसार चलने दें, ओके, श्वास को ना रोकें। चलिए अब हम मेडिटेशन करेंगे, ओके। मेडिटेशन के लिए चलिए थोड़ा आगे आ जाते हैं। अपने पद्मासन को लगाएं इस प्रकार से और फिर अपनी मुद्राएं धारण करें, ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, डूइंग अ मेडिटेशन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कम से कम मेडिटेशन को 1 मिनट तक जरूर करें। मैं वीडियो में 1 मिनट तक अवश्य करता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करें। इससे आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रहता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मंत्रोच्चारण। वापिस आ जाए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को, कलाइयों को, हाथों को रगड़ें। गर्मी का एहसास होने पर अपने चेहरे के साथ स्पर्श करें। गेट बैक नॉर्मल पोजीशन, रब योर बोथ पाम्स, यू फील मेक हीट देन टचेस योर फेस, इट्स गिविंग यू लाइफ एनर्जी। इट इज़ द टोटल अबाउट दैट ऑफ अ पन्व आसना। सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट योगासना, नेक्स्ट पोस्चर। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्रेटनेस। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।